सो गाइस इनकी आज 25 एनिवर्सरी है और ये पहना रहे हैं एक दूसरे को जयमाला। ये है मेरे मकान मालिक और उनकी वाइफ। तो ये देखिए अंकल की खुशी का ठिकाना नहीं है आज और अंकल कितनी जोर जोर से डांस कर रहे हैं। YouTube चैनल भावना मेकओवर पहाड़ी। तो अभी अभी जस्ट मैं रूम पे पहुंची हूँ सलून से। अभी बज रहा है 8 बजने वाला है। मतलब देखो मेरी हालत भी बहुत खराब हो चुकी है। तो आज जो मेरे लैंडलॉर्ड हैं, जो मेरे मकान मालिक हैं, उनकी 25 एनिवर्सरी है। तो हम लोग जा रहे हैं उनकी एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने। तो मैं अभी रूम पे पहुंची हूँ। रूम पे आते ही अब हम लोग नीचे जा रहे हैं। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं से स्टार्ट कर रही हूँ। तो चलते हैं नीचे। बधाई हो एनिवर्सरी की। ये हमारे मकान मालिक है। ये हमारे मकान मालिक है और देखिए कोट पैंट पहन के अंकल जी तैयार है। अंकल जी अच्छे लग रहे हो आप। हाँ हीरो एकदम। आंटी आंटी आपको भी बहुत बहुत बधाई हो। और आंटी देखिए कितनी प्यारी लग रही है। और ये आंटी और ये है बब्बी आंटी की सबसे बड़ी वाली बेटी। आंटी ये साड़ी कब की है? आपकी शादी की साड़ी है? वाओ यार बहुत प्यारी है। शादी की तो दूसरी है, उसका ब्लाउज बनी हो ना, ये मतलब वो शादी की है, जो द्वारदेही करने जाते हैं ना। आंटी सोने की नथ है। थैंक यू। और नाम हेलो गाइस आंटी अपनी नथ दिखाओ यार। नथ में मजा आ गया। ये अंकल जी की स्माइल। ये दुल्हा दुल्हन रेडी है देखो। अच्छा फिर इनकी आंखें चमकने लग जाएगी देखना। ये देखो ना रेखा। हेलो रेखा। तो गाइज इनके एनिवर्सरी सेलिब्रेशन के लिए पूरा जो घर है वो डेकोरेट किया गया है। ये देखिए और प्यारा सा केक आया हुआ है। अब ये पहनाने जा रहे हैं एक दूसरे को जयमाला। और आंटी थोड़ा शर्मा भी रही है, बहुत खुश भी है क्योंकि बगल में उनके सास ससुर बैठे हैं। और ये देखिए सेलिब्रेशन में आए हुए हैं। देखा तो फोटो खींचना। आंटी आंटी यार ड्रेस चेंज करके आइए। ड्रेस चेंज करना। आंटी तो लाइए बारात। अंकल जी की स्माइल ही कम नहीं हो रही तब से। अंकल जी कपल डांस करो। कपल डांस करो। हाँ गाइस अभी यहाँ पे केक कटने जा रहा है।
सो गाइस जी, यहाँ पर केक कटना स्टार्ट हो चुका है और ये अंकल आंटी इनकी 25 एनिवर्सरी पे अपना केक काट रहे हैं। इनकी सिल्वर एनिवर्सरी है और ये देखिए ये है उनके मम्मी पापा सास है और वो ससुर जी है। तो ये देखिए दादाजी लिफाफा भी लेके आए हुए हैं और दादाजी लिफाफा देते हुए, क्योंकि देखो बड़ों का आशीर्वाद कितना जरूरी होता है, तो वो आए हैं तो लिफाफा भी ले। अब इनकी मैं पूरी फैमिली से मिलाती हूँ। और ये रहे अंकल आंटी के चार बच्चे, ये इनकी बेटी सबसे बड़ी वाली, फिर उधर बगल में लाल टी शर्ट वाला हिमांशु, फिर ग्रीन शर्ट वाली इनकी बेटी, फिर वो ब्लैक शर्ट वाला इनका बेटा। तो ये चारों बच्चे हैं अंकल आंटी के, ये देखिए। और ये हिमांशु सॉरी, और ये धीरज सबसे अलग। ये मैं कहाँ गया, धीरज सोचो ये मैं कहाँ गया भाई। तो ये देखिए अंकल आंटी के लिए गिफ्ट लाए हुए हैं उनके बच्चे मिलके। और ये आज अंकल जी को भी कहाँ छोड़ दे, तो अंकल जी का केक पूरा भर चुका है केक से। ये देखिए ये सब बराती घराती सब मिक्स हुए हैं यहाँ पे। तो गाइस केक कट चुका है यहाँ पे, ये देखिए। और अब कपल डांस की तैयारियां चल रही है, जयमाला हो चुकी है। हेलो, और ये अंकल आंटी के पापा, ये मम्मी। और रेखा कैसा लग रहा है तुम्हें, कैसी क्या एक दिन रेखा का भी ब्याह होगा, एक दिन क्या सकता, तुम भी अपनी 25वीं एनिवर्सरी मनाओगी। सारा हमारी सबसे छोटी बराती, हाँ सबसे बड़ी इसकी मम्मी, सबसे छोटी है। कैसा लग रहा है फिर? और ये रहे मेरे दोनों प्यारे रूममेट्स, इधर वाली है प्रियंका, उधर वाली है प्राची। ये हम तीनों सब रूम में साथ में रहते हैं। ये देखिए मैं भी खिला देती हूँ, चलो लगे हाथ। और ये अंकल आंटी के लिए गिफ्ट, यहाँ पे खुशी का माहौल है ही। उसमें चार चांद लगाने के लिए सबने फोर्स किया कि अंकल जी आप डांस करो डांस करो, तो अंकल जी ने अपना डांस यहाँ पे स्टार्ट कर दिया है आंटी के साथ। हे मधु में पहले आंटी शरमा रही थी क्योंकि उनके ससुर जी वहाँ खड़े थे बगल में, तो फिर बाद में आंटी ने कहा चलो छोड़ो क्या ही करना है, चलो कर ही लेते हैं डांस। तो ये देखिए, और ये बारातियों को देखिए ऊपर स्टूल में चढ़ चढ़ के नाच रहे हैं।
तो जश्न का माहौल है तो एक डांस तो हमारा भी बनता ही है, क्योंकि आज हम रूम पे बड़े मजे से खाना पीना हमने बनाना है नहीं, इसी खुशी में हम सारे रूममेट और झूम रहे हैं ये देखिए, क्योंकि और दिनों हमें आते ही खाना बनाना पड़ता है, आज हमें खाना बनाना है नहीं, सारी पार्टी यहीं पे है तो हमें डबल डबल खुशी हो रही है। और ये देखिए रेखा और प्रियंका और प्राची की खुशी का यहाँ पे ठिकाना नहीं है, क्योंकि क्या है कि अब कौन रूम पे जाए खाना बनाए फिर बर्तन धोए, तो इससे अच्छा यहीं खा के सबने निपट लेना है। ऊपर प्राची बोले मुझे कोई टेंशन नहीं है भाई आज, और देखिए खाने का नाम लिया और खाना हाजिर हो चुका है यहाँ पे, सबसे पहले मैं खा लेती हूँ। तो ये देखिए रेखा और मैं खाना स्टार्ट कर चुके हैं। तो गाइज आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज, और मैं मिलते रहूँगी आप लोगों को ऐसी नई वीडियोज के साथ आगे, तो बने रहिएगा मेरे चैनल पे, थैंक यू सो मच गाइज़।